हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अकाउंटिंग वाउचर के बारे में जानेंगे। पहले गेट वो आप डालिए अकाउंट में, अपना कंपनी जो आप लोग क्रिएट किए हैं उसको ओपन करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर शॉर्टकट की भी प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ हम लोग इस पे आ गए डायरेक्ट। ये अकाउंटिंग वाउचर ओपन किए तो पेमेंट पेज खुला है, समझे? तो यहाँ पे ये देखिए आपका, ये साइड में बहुत सारा उसी तरीके से जो पिछला मतलब हम लोग शॉर्टकट की देखे थे, शुरू का जो है टॉप बार साइड बार का, उसी तरीके से इसमें भी टॉप बार तो सेम है लेकिन साइड बार यहाँ देखिए यहाँ चेंज है। F2 डेट, F3 कंपनी। तो आज हम लोग इसी शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। तो आइए, एक वर्ड फाइल है उसमें बात करते हैं क्या। ये जो राइट वॉच स्क्रीन में है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, तो यहाँ देखिए F1, F1 अकाउंटिंग बटन्स, ऑल्ट प्लस F1 इन्वेंट्री बटन्स टू स्विच टू इन्वेंट्री वॉचर क्रिएट स्क्रीन, क्रिएशन स्क्रीन। F2 डेट, F3 कंपनी, F4 कॉन्ट्रा। ये डायरेक्ट हम लोग वाउचर जब अकाउंटिंग वाउचर जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ये शॉर्टकट की है। हम F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, डायरेक्ट डेट बटन में चले जाएंगे। F3 कंपनी, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, कंट्रोल प्लस F8 क्रेडिट नोट। लेकिन ये आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो क्रेडिट नोट है, ये देखिए क्रेडिट नोट ये शो नहीं कर रहा। जैसे ये शो कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन जाकर शो नहीं कर रहा, तो ये जो है ये मेरा सेटिंग है। इसको सेटिंग से हमको करना पड़ेगा। वो सेटिंग कैसे है ये देखिए, वर्ड में भी हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ वर्ड में है कि F11 बटन जो है साइड में पहल कर लेते हैं। कैन बी एक्टिवेटेड बाय सेटिंग यस टू द ऑप्शन यूज डेबिट डेबिट क्रेडिट नोट्स एट कंपनी ऑपरेशन अल्टरनेशन स्क्रीन बाय प्रेसिंग F11। चलिए करके भी देख लेते हैं कैसे होता है ये। ये देखिए F11 हम प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से चले जाएंगे, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। F11 में गए, वहाँ बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है कि डेबिट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट और क्रेडिट नोट किधर है, इंटर मारते हम लोग आएंगे इधर। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस कर देंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, यस। रिकॉर्ड डेबिट नोट, यस। ये देखिए इससे अब कंट्रोल ए शॉर्टकट या फिर इंटर मार के हम एक्सेप्ट। यहाँ आप देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। अब ये किस काम में आता है वो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन पहले शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं। कंट्रोल F8 हो गया, ये कैसे एक्टिव करेंगे वो भी देख लिए हैं। F9 फॉर परचेज, कंट्रोल F9 फॉर डेबिट नोट, F10 रिवर्सिंग जर्नल। इसको भी हम लोग जो है इसको भी ऑप्शन को है F11 में जा करके ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करेंगे वो भी हम देख लेते हैं अभी फिर से। उसी तरीके से F11 में जाना है, जर्नल यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर यस कर देना है। चलिए वो भी कर लेते हैं। F11 में फिर से हम गए हैं, F11 में जा करके क्या था ये देख लीजिए, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इधर आएंगे फिर यहाँ आने के बाद में देखेंगे कहाँ पे है ये इंटर मार करके यहाँ 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 ये देखिए
बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, या आप यहाँ से यस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो अभी फिलहाल हम लोग को जरूरत है नहीं है, यहाँ अभी हम लोग रहने दे, जब काम आएगा इसका तो हम लोग यस करेंगे, लेकिन आपको कोई जरूरत पड़ेगा तो वहाँ से यस कीजिएगा। ठीक, इसके बाद में फिर है यूज हो गया आपका कंट्रोल F10, ये मेमोज बटन के लिए, इसको भी सेम उसी तरीके से यूज रिवर्सिंग जनरल ऑप्शन वाउचर कंपनी को यस करने से ये कंट्रोल F10 भी मेरा वहाँ पे शो करने लगेगा। ऑल्ट एस स्टॉक क्वारी, ऑल्ट आई अकाउंटिंग इनवाइस, कंट्रोल वी एज वाउचर, कंट्रोल टी पोस्ट डेटेड, F11 फीचर्स, अभी हम लोग जो देख रहे थे उसको फीचर्स कहते हैं, F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये अकाउंटिंग वाउचर का शॉर्टकट्स है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो फर्स्ट पेज जो बेसिक का जो शॉर्टकट था टॉप बार और साइड बार का वो शॉर्टकट है, और ये जो शॉर्टकट है ये अकाउंटिंग का शॉर्टकट, ये तो शॉर्टकट देख चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और जानकारी ले लेते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर इंट्री उसका स्क्रीन कैसा होता है, ऐसा होता है कई बार तो हम इंट्री किए हैं पेमेंट ऑप्शन पे करना है, लेकिन पेमेंट पे करने के बदले में हम क्या किए हैं वहाँ पे दूसरा बटन प्रेस हो गया बाय मिस्टेक, ऐसा बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम होता है लेकिन मिस्टेक। तो जब आपको एक आइडिया रहेगा ना कि हाँ कौन सा पेज कैसा कलर का होता है, तो आप कलर पेज का कलर देख करके पहचान लीजिए, नहीं ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये सेल्स पेज खुल गया है, क्योंकि पेमेंट का पेज ऐसा होता है, समझे। तो हमेशा याद रखिए कॉन्ट्रा जो है वो वाई, उसका कलर जो पेज का कलर है वो वाइट होता है, एक मतलब देख भी लेते हैं कैसा वाइट होता है। यहाँ देखिए F4 शॉर्टकट है कंट्रा, ओपन करते हैं, ये देखिए कलर पेज का कलर वाइट हो गया। उसी तरीके से देखते हैं और दूसरा पेमेंट का बता रहा है ये लो, देखते हैं यहाँ पेमेंट का ये लो। ठीक है, इसके बाद में रिसिप्ट का फैडिश ब्राउन, रिसिप्ट फैडिश ब्राउन, जर्नल फैडिश पिंक, जर्नल फैडिश पिंक, इसके बाद में सेल्स लाइट ब्राउन, सेल्स लाइट ब्राउन, इसके बाद में डिलीवरी नोट फैडिश येलो, डिलीवरी नोट फैडिश येलो, डिलीवरी नोट का अभी फिलहाल ऑप्शन हम लोग एक्टिव नहीं किए हैं, उसके बाद में देखेंगे। इसके बाद में परचेज फैडिश येलो, परचेज फैडिश येलो, क्रेडिट नोट फैडिश ग्रीन, क्रेडिट नोट फैडिश ग्रीन, जनरल लाइट येलो पिंक, लाइट येलो पिंक, जनरल लाइट येलो पिंक, मेमोरेंडम लाइट पिंक, मेमोरेंडम का ऑप्शन अभी हम लोग भी इसको एक्टिव नहीं किए इसको। तो ये कलर के बारे में हम लोगों को इस क्लास में सीखे हैं कि किस तरीके से शॉर्टकट है और किस तरीके का कौन सा पेज का क्या